हेलो फ्रेंड्स, टेक बियर चैनल में आपका स्वागत है। आज हम करने जा रहे हैं डेल के वायरलेस कीबोर्ड मॉडल नंबर KM117 का रिव्यू, कि किस तरह से काम करता है, या फिर आप इसको शॉर्ट में कहें तो क्विक स्टार्ट गाइड भी कह सकते हैं। तो देखिए, हमारे पास ये विंडोज़ 7 का ऑपरेटिंग सिस्टम और ये है लाइनेक्स का ऑपरेटिंग सिस्टम। मैंने जो पिछली वीडियो डाली थी उसमें आपने कई लोगों ने क्वेश्चन किया था कि ये लाइनेक्स और उबंटू में चलता है या नहीं चलता। तो जी हाँ, ये विंडोज़ 7, विंडोज़ 8, विंडोज़ 10, लाइनेक्स, उबंटू एंड यूनिक्स सारे ऑपरेटिंग सिस्टम सपोर्ट करता है। और इस सब में किसी में भी आपको एडिशनल ड्राइवर्स इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं है, सब में प्लग एंड प्ले है। इसके लिए आपको क्या करना होगा, ये जो ब्लूटूथ डिवाइस है आपको अपने USB पोर्ट में इंस्टॉल करनी होगी। और आप विंडोज़ में तो सीधा प्लग एंड प्ले हो जाएगा, लेकिन लाइनेक्स या यूनिक्स के लिए आपको एक बार रीस्टार्ट करना होगा। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, मैंने इसको कनेक्ट कर रखा है। और जो ये कीबोर्ड है, इसमें आप जो मुझे सबसे बड़ी खराबी लगी, इसमें ऑन ऑफ का ऑप्शन नहीं है। जैसे अगर मान लीजिए, अगर आपको एक घंटे का ब्रेक लेना है तो आप इसको ऑन या ऑफ नहीं कर सकते, लेकिन माउस में ये जो ऑप्शन दिया हुआ है, अगर आप माउस को ऑफ रखते हैं तो भी कीबोर्ड काम करेगा। जैसे कि लॉजिस्टिक के जो वायरलेस कीबोर्ड माउस आते हैं उसमें क्या होता है, जैसे अगर आप माउस को ऑफ कर दें तो कीबोर्ड भी ऑफ हो जाता है साथ में, लेकिन इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है। तो जैसे कि मैं आप देख सकते हैं, मैंने इसमें कनेक्ट कर लिया, उसमें कोई भी एडिशनल ड्राइवर इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं है। और ये आपका जो माउस है बिल्कुल परफेक्टली काम कर रहा है, और ये कीबोर्ड भी यहाँ पर परफेक्टली काम कर रहा है। देखिए, मैंने यहाँ पर की प्रेस की, विंडोज़ की, और ये यहाँ पर बिल्कुल परफेक्टली काम कर रहा है। और इसके अगर मैं बात करूँ साइज़ की, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर 2 14 इंच के लैपटॉप पड़े हैं और मैंने इसके सामने इसको यूँ रख दिया, तो आपको कंफर्टेबल साइज़ है। इसमें टाइपिंग के लिए पीछे आपको यहाँ पर सपोर्ट दे रखा है, टेबल सपोर्ट, जो कि कुछ इस तरीके से खुलता है। और यहाँ पर ये सेल लगाने के लिए आपको पोर्ट दे रखे हैं। कीबोर्ड में आपके 2 सेल लगेंगे पेंसिल ए साइज़ के, और आप इसको यूँ टिका के भी काम कर सकते हैं। और जो आपका माउस है उसमें एक ए जो बिग साइज़ का सेल होता है वो लगेगा, और यहाँ से आप इसको ऑन ऑफ कर सकते हैं। अगर अभी भी आपको इससे जुड़ी कोई भी समस्या आ रही है कि आपको किस तरह से काम करना है, या कोई भी डाउट हो, तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं, मैं उस पर आपको जरूर रिप्लाई करूँगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, वंदे मातरम।